हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ये लो पायल। पायल, तुम रो रही हो? क्या हुआ, मामा याद आ रही? नहीं, बस ऐसे ही हार का लम्हा सामने आ गया। तो इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी हार को जीत में बदल। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती, हर वक्त मुस्कुराने वाली। शर्मिंदा करवा दिया ना मुझे, छत पे नहीं सो सकते थे। मैं गया था छत पर, मच्छर बहुत थे। हाँ, और यहाँ पे पायल पकड़ लिया ना। तो ये आपका घर है? हाँ, ये मेरे भाई है और ये इन्हीं का घर है। ओ गॉश, आपने बताया कि नहीं मुझे? उस वक्त आपकी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको यहाँ आने का कहता तो आप कभी ना मानती, और मैं चाहता था कि आप फौरन किसी सेफ एंड सिक्योर जगह पे पहुंच जाएं। वैसे भाई, कम से कम 24 घंटे तो झूठ बोल लेते। झूठ शायद नहीं था ये। अच्छा, बहाना जिसका भरना पड़ेगा आपको जुर्माना। वैसे निदा, तुमने भी क्या एक्टिंग की है। मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा कि जैसे वाकई ये गेस्ट लाते हैं यहाँ पे। वैसे पायल, एक बात बताऊं, अगर मैं भाई की जगह होती ना तो तुम मुझे कभी भी ना पकड़ती। भाई, ना कभी आप अच्छे चोर बन सकते हैं और ना ही कभी अच्छे जासूस, क्योंकि आपको छुपना ही नहीं आता। पायल, I'm sorry, हमारा बहाना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो तब लगता जब आपके घर वाले अच्छे ना होते। देख लिया, यहाँ भी मैंने आपको बचा लिया। मैंने इसकी फीस तो मैं अलग से लूंगी। अच्छा, ये सब छोड़ो, नाश्ते का इंतजाम करो यार। छत पे करेंगे यहाँ? निता, पकड़े गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वैसे आंटी, आपने भी पूरा पूरा इस प्लान में साथ दिया मिस्टर अली का। अरे बेटा, मैं अगर इसका साथ ना देती तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी कैसे मिलती? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मत करो यकीन, मत करो, क्या पता ये साजिश हो। निदा, निदा, ज्यादा जुबान चलाने की बजाय हाथ चलाओ। चलो नाश्ता लेकर आओ जल्दी से। मैं नाश्ता लेके आऊं? क्यों भाई, वैसे भी भाई ने आज कहा है कि हम बाहर जाके नाश्ता करें। अरे मैंने कब कहा? अरे मुकर गए, नींद में तो बोला था कि नाश्ते पे बाहर जाएंगे। क्यों? क्या मैं नींद में बोल रहा था? क्यों पायल? हाँ, वैसे मुंह तो खुला हुआ था, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या हो गया, मैं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया मैंने? यार वैसे अली भाई, कहा तो बहुत कुछ लेकिन छोड़े। अम्मी देख रही हैं आप इसे, मुझे बताओ मैंने क्या बोला है, वरना सारा दिन परेशान रहूंगा। पायल, क्या मैं वाकई बोल रहा था नींद में? नहीं, मुझे नहीं पता, निदा यहाँ थी, मैं वहाँ दूर थी। अरे बेटा छोड़ो ना, क्या बोले क्या नहीं। निदा को पैसे दो ताकि शॉपिंग के लिए लेकर जाए पायल को। अमीर, इसके पास वैसे ही बहुत पैसे हैं, इसे पैसों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। काफी अमीर है आजकल ये। अरे भाई, निदा का तो नया सूट आना है, लड़के वाले जो आ रहे हैं देखने के लिए। अरे वाह, लड़के वाले देखने आ रहे? चलिए, लड़के वाले लड़कियों को क्यों देखने आते हैं? पार्क जाके देखें, जू जाके देखें, लड़की को देखने आ रहे? शादी हो रही है जनाब की। छोड़ो यार। अच्छा भाई जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, वरना ऐसे ही ले जाएगी तुम्हें ये। आंटी मैं, चली जाओ यार, थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊं। हाँ जाओ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि वो घर और लोग हैं जिन्हें मैं सिर्फ पिछले 24 घंटों से जानती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे 24 साल हो गए मुझे यहाँ पे। जीती रहो,
चल भाई, इसका मतलब है कब से जानते हो पायल को? सिर्फ कल से। देखो बेटा, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हें। मम्मी, आपको ये सब कहने की भी क्या जरूरत है? प्यार करते हो पायल से? क्या मुश्किल सा सवाल पूछ रही हैं मेरे से? क्या हो गया आपको? अपने सवाल का जवाब मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया। तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक, वैसे पायल मुझे भी अच्छी लगी है। ये बात तो मैं भी देख सकता हूँ। तो फिर फौरन उसकी माँ से बात करती हूँ। अम्मी प्लीज, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं भी उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ। आप जनाब से आगे नहीं बढ़ा, वो तो एक मुश्किल वक्त में ऑफिस आई, इसलिए मैं उसे पेइंग गेस्ट बना के यहाँ ले आया। पहले मुझे उसे खुद बात करना होगी। देखो बेटा, अब कुछ चीज़ें तकदीर हमारे लिए कर रही होती है, और तकदीर घड़ी की सुइयों की पाबंद नहीं होती। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, सब कुछ बदल सा गया है जब से पायल आई है। लेकिन पहले मुझे उसे बताना होगा। अगर अभी तुम वक्त लेना चाहते हो तो फिर जब तक वो यहाँ है तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्या मैं अपने घर में नहीं रहूंगा? क्यों? अरे बेटा, दिन में बेशक तुम आते जाते रहो, लेकिन रात को यहाँ नहीं सो सकते। अमीन, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। अपने बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जब तक कोई बाकायदा रिश्ता कायम नहीं हो जाता, वो एक गैर लड़की है, और ये सब हमारी रिवायात के खिलाफ है। नहीं, ये सब होगा कैसे? अगर पायल को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी? कहीं वो ही ना चली जाए। मैं संभाल लूंगी सब, वैसे भी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, छठे दिन तो वो चली जाएगी, और इस दौरान हम उसकी माँ से भी बात कर लेंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। चलते हैं। जाओ, अल्लाह ने के बाद। चल भाई, इसका मतलब है तेरा काम तो हो गया। हाँ यार, ऐसे लगता है जैसे अचानक हर चीज का मतलब ही बदल गया हो। पता नहीं यार, ये मोहब्बत वगैरह हमें तो कभी हुई नहीं, अब तुझे हो रही तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे यार, बड़ा ही बदकिस्मत है तू पर। मैं बदकिस्मत तो ठीक हूँ भाई, वरना तेरी तरह ऑफिस में सो रहा था घर के बजाय। यार तू अम्मी को जानता तो है, वो कह रही है कि जब तक रिश्ता नहीं हो जाता तब तक मैं कम से कम घर में नहीं सो सकता। बात तो ठीक है उनकी, लॉजिक है। पता नहीं यार क्या ठीक है क्या गलत, मुझे कुछ नहीं पता। अगर उन्हें कुछ लग रहा है तो उन्हें कुछ नजर भी आ रहा होगा, लेकिन मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। हर चीज से बेनियाज हो गया हूं सिवाय पायल के। समझते हैं तेरी मोहब्बत कहीं ना एडवेंचर बन जाए। दुआ दे रहा है या बद्दुआ? जो भी समझ लो। दीदी ये देखें, ये जहाज के टिकट वाले लोग बैठे हैं। आप प्लीज इनसे किसी से पूछ लें आईटी ट्रेवल्स कहाँ है। दीदी बिल्कुल सामने नजर आ रहा है ट्रेवल। हाँ वो रहा, आप वही रह के रोक लें प्लीज, बस यही यही गुड।
हमको छीन के चले गए। तुम प्लीज बैठो। क्या हुआ? दो लड़के थे गन पॉइंट पे, मेरा बैग सब कुछ ले गए। तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें बताया भी था कि शहर खतरनाक है, लेकिन तुम शुक्र करो कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सब गया? सब। प्लीज पुलिस को रिपोर्ट करें। अरे नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करवाने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलता यहाँ। यार तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? क्या कुछ था पर्स में? पासपोर्ट, टिकट, आईडीज, क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग। ये सब कुछ अपने साथ लेकर फिर रही थी? क्यों? तुम्हें अंदाज़ा है तुमने किया क्या है? इस वक्त तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तुम I know. जब तक तुम्हारे नए पेपर्स नहीं बनेंगे तुम ट्रैवल नहीं कर सकती। अच्छा प्लीज 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 तुम प्लीज रो मत। मैं कुछ करता हूँ कुछ। पासपोर्ट था तो FIR कहाँ? मेरा एक दोस्त है अरसलान, DSP, उसके पास चलते हैं। चलो। ओके। अली साहब और मैडम को ले जाओ अपने साथ। इस स्नैचिंग का केस है, इनसे पूरी डिटेल लो और पूरे सिटी को वायरलेस कर दो और हर आधे घंटे बाद मुझे रिपोर्ट दो। बेहतर सर। आप लोग जाइए। थैंक यू बेग साहब। यू वेलकम। थैंक यू। एक पेनी नहीं बची मेरे पास, सब कुछ पर्स में था। आई फील सो हेल्पलेस नाउ। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया पायल, तुम ऐसा करो कि तुम भीख मांगना शुरू कर दो। वैसे भी आजकल यहाँ फकीरों को तो बहुत पैसे मिलते हैं, और अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की भीख मांगेगी ना तुम्हें तो डॉलर्स में मिलेंगे। बेटा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम लोगों के घर पे एक अजाब बन के नाजिल हुई हूँ। अजीब बात है, मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। और अगर तुम अजाब होती ना तो इस वक्त हमारे घर से बाहर होती। अम्मी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हर प्रिंसिपल्स। समझ में नहीं आ रहा मॉम को कैसे बताऊं, डर लग रहा है। आई फील आई एम अरेस्टेड। ऐसा करो मेरे फोन से कॉल कर लो। नहीं अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मेरे पास थोड़े पैसे बच जाते, मैं यहाँ से चली जाती। पाकिस्तान से या हमारे घर से? ऑफ कोर्स तुम्हारे घर से। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना गिल्टी फील कर रही हूँ। पायल मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, इस खौफ और गिल्ट का इलाज है मेरे पास। तुम ऐसा करो तुम शादी कर लो, वो सब कुछ संभाल लेगा। चेड़े मुझे इस नाम से, ये शादी वादी क्या होता है ये सब? करनी तो पड़ेगी बच्चों, मोहब्बत भी जरूरत है सोसाइटी की। मुझे नहीं पता, डर लगता है मुझे इस नाम से और लगता है जैसे कोई ट्रैप कर रहा हो। देखो ट्रैप तो हम सब ऑलरेडी हैं, हाँ जाल बदलते रहते हैं, दैट्स इट। अच्छा सुनो, अपना लैपटॉप दोगी? मुझे मेल करनी है मामा को। ओके, लेकिन पैसे लगेंगे, किराया पर मिनट। अच्छा बाबा दे दूंगी, अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन हाँ अली भाई से ले लूंगी, एक ही बात है। थैंक्स। कुछ नहीं रहा मेरे पास। हाँ लोग तो अच्छे, मैंने बात भी की उनसे, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बाद आई डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। राधा ट्रस्ट इंसान की चॉइस नहीं, मजबूरी होती है, करना पड़ता है। सॉरी मेरी अगर मजबूरी होती तो मैं उसी वक्त रीमैरी कर लेती जब अब्रार ने मुझे छोड़ा। हाँ आई नो तुम बहुत खुददार औरत हो और तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है। पायल की जिद ना होती ना तो मैं उसे कभी पाकिस्तान ना जाने देती। शी इज सो स्टबर्न, मुझे तो वहाँ के लोग सारे अब्रार ही लगते हैं। ओह ईमेल आई है पायल की। क्या है? एक मिनट पढ़ने दो। सब ठीक तो है ना? प्लीज देखो। ओह नो शी इज बीन मग्ड। कह रही है कि उसका पर्स चोरी हो गया है, पासपोर्ट, पैसे, सब कुछ चला गया उसका। तो वो ट्रैवल कैसे करेगी? आई डोंट नो अब क्या होगा, मेरी बेबी वापस कैसे आएगी? मैंने कहा था उसे, आई टोल्ड हर नॉट टू गो देयर।
देखो कोई मेल पे उसने नंबर दिया जिधर फोन पे बात हो सके। हाँ हाँ लैंडलाइन दिए, ठहरो मिलाओ मिलाओ प्लीज मिलाओ। हेलो 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 कौन? मे आई स्पीक टू पायल प्लीज? मैं पायल की मामा राधा। जी आंटी जरूर, एक सेकंड होल्ड करें। पायल, आई होप शी इज ओके। मामा पायल, आई टोल्ड यू ना उस मुल्क में मत जाना, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मामा मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। तो क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? पुलिस में कंप्लेंट की है मामा, अभी कुछ नहीं पता चल रहा, मुझे प्लीज यहाँ से ले जाए। क्या मैं तो आ भी नहीं सकती ना, वीजा नहीं है कुछ नहीं है, क्या करूँ मैं बोलो? मैंने तुम्हें समझा के भेजा था ना, Why were you carrying everything together, huh? I don't know, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पारो आंटी से बात करो। पारो तुम बात करो। हेलो पायल, हाँ बच्चे सब ठीक है ना? एम्बेसी तुम्हारी हेल्प तो कर रही है ना? आर दे कोऑपरेटिव? ओके तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आंटी मेरे पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ उस बैग में था, आई हैव नथिंग। अब मैं वो मिस्टर अली के घर में हूँ जो मेरे साथ गए थे। तुम एक काम करो, मामा को अली का अकाउंट नंबर सेंड करो, हम लोग कुछ करते हैं यहाँ पे। जी जी आंटी। तुम्हारी मम्मा बहुत परेशान है बच्चा, तुम कुछ ऐसा मत करना, आराम से पहले शांत हो जाओ। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आप अभी तक जा क्यों रही हैं? तुमसे जरूरी बात करनी थी, बैठो। खैरियत? पायल तो ठीक है? पायल के अलावा भी कुछ लोग रहते हैं इस घर में। क्या हुआ? हुआ ये है कि हम लोग बाहर के मुल्कों में रहने वाले लोगों की तरह आजाद ख्याल नहीं है। कहना क्या चाह रही हैं, खुल के बताएं मुझे। देखो मैंने पहले हामी तो भर ली थी कि 5-6 दिन की बात है, गुजर जाएंगे, लेकिन एक ऐसी लड़की, गैर लड़की जिसका हम में से किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है, उसे घर में कैसे रखूं मैं? ये मुसीबत तो किसी पे भी आ सकती है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन तुम समझ ही तो नहीं रहे हो। तुम्हारी आंखों पर शायद मोहब्बत के पर्दे गिरना शुरू हो गए। क्या हो गया आपको? सब कुछ आपके सामने है इस वक्त, तो बिल्कुल बेयारो मददगार है, कुछ भी नहीं रहा उसके पास। इस हालत में मैं उसे बाहर ले जाके सड़क पे खड़ा कर दूं क्या? मैं तुम्हें उसकी मदद करने से मना नहीं कर रही। इस वक्त उसे पनाह की जरूरत है, इससे ज्यादा और क्या मदद होगी उसकी? अली देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारी एक जवान बहन भी है, उसके रिश्ते की बात चल रही है। मैं लोगों से क्या कहती फिरूंगी कि ये लड़की कौन है जो हमारे घर में हमारे साथ रह रही है? कम से कम आप तो ये बातें ना। तुम उसे होटल में ठहरा दो, पैसे चाहे तुम दे देना। आपको जाने क्या हो गया है, आपको तो पायल बहुत प्यारी लगी थी। अब भी वो प्यारी है मुझे, लेकिन मैं बदनामी से डरती हूँ। कल निदा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, उसे लेकर कहीं बाहर चले जाना। फरीद जल्दी कर दो, पता है मैंने 9 बजे जाना होता है, फिर भी रोज लेट करवाते हो मुझे। अरे तुम क्यों कॉफी लेकर आई हो? अपने लिए बना रही थी, सोचा आपके लिए भी बना लूं। थैंक यू। आप कहाँ थे? मैं रात से आपको ढूंढ रही हूँ। हाँ मैं जरा देर से आया था। क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही?
ठीक लगने की कोई वजह है मेरे पास। एनीवेज, कोई क्लू मिला? अभी तक कुछ नहीं। मॉम को बताया मैंने, मेरी बात हुई उनसे। यकीनन काफी परेशान हो रही होंगी। हाँ परेशान तो है। वो आपका अकाउंट नंबर मांग रही थी, कुछ पैसे भिजवाने थे। पैसे किस लिए? मेरे लिए। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। मिस्टर अली, मैं पहले इस घर के लिए मुसीबत बन गई हूँ और फिर। एक मिनट, तुम समझती हो कि तुम हमारे लिए मुसीबत हो? किसने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं कहा। मैं हैरान हूँ कि आप लोगों से ना मेरा कोई रिश्ता है ना कोई ताल्लुक, फिर भी इतनी मोहब्बत। तो बस फिर हमारी मोहब्बत को देखते जाओ और कुछ मत देखो। डर लगता है मुझे इस नाम से। मोहब्बत ने हमारे साथ पहले बड़े अजीब खेल खेले। मुझे मालूम है पायल, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर मोहब्बत धोखा हो। आई नो, आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं और तकलीफ नहीं देना चाहती। हो सकता है जिसे तुम तकलीफ समझ रही हो उसमें हमारी खुशी हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यहाँ मुझे और कितना ठहरना है। मैं ऑलरेडी गिल्टी फील कर रही हूँ। प्लीज आप मॉम को अकाउंट नंबर भेज दें। पायल, पायल, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। और सुनो, मेरा नाम इब्राहिम नहीं है, अली है, इसलिए हमारी मोहब्बत से डरो मत। और मैं तुम्हारी अम्मी से बात जरूर करूंगा, लेकिन इस बारे में नहीं।